इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एग्जाम की तैयारी के लिए ये 15th लैक्चर है। तो इस लैक्चर के थैमलिंस एंड नॉर्टन थ्योरम के बारे डिस्कस किया जाएगा। लेटेस्ट इनफॉर्मेशन अपडेट के लिए तुसी टैलीग्राम चैनल नू ज्वाइन कर सकते जे, नाल दी नाल ऐप नू भी डाउनलोड कर सकते जे। हुण गल करदे आ थैमलिंस एंड नॉर्टन थ्योरम का यूज क्यों किया जाता है। तो ये इकट्ठिया थ्योरम्स अज आप करांगे, ठीक है, वन बाय वन आप डिस्कस करांगे। जो भी कोई सर्किट इन्ना कॉम्पलैक्स हो जाए कि उसनू के वी एल या के सी एल दे नाल सॉल्व करना या नोडल या मैश एनालिसिस दे नाल सॉल्व करना औखा हो, उस टाइम आप थ्योरम्स का यूज़ करते हैं। हुण इन्हां दोनों थ्योरम्स का क्यों यूज़ किया जाता है। बेसिकली कई बार जरूरी नहीं होंगे कि आप सारे सर्किट के जिन्हें भी वेरीएबल्स है उन्होंने फाइंड करने की जरूरत हो। कई बार पर्टिकुलर एक वेरीएबल नू फाइंड करने की जरूरत होंगी है, जां इहदे किन्ना करंट फ्लो कर रहा है जां इहदे अक्रॉस किन्नी वोल्टेज है उन्होंने फाइंड करने की जरूरत होंगी है। मान लो ये नैटवर्क है पूरे का पूरा, तो उस टाइम जे आप सारे सर्किट नू सॉल्व करांगे, ओके, हर वेरीएबल हर एक मतलब वैल्यू नू फाइंड करने की कोशिश करांगे, तो उहदे नाल की है साडा जिहड़ा न्यूमेरिकल है जां सर्किट है उन्होंने सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। सो इसलिए एक पर्टिकुलर ब्रांच के करंट जां उहदे अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू नू फाइंड करने वास्ते आप थ्योरम्स का यूज़ करते हैं। तो हुण कहिड़ियां आप थ्योरम्स पढ़ांगे, थैमलिंस एंड नॉर्टनस थ्योरम। तो स्टार्ट करते हैं थैमलिंस थ्योरम तो। जिहड़ियां भी इत्थे मैं गल्लां समझावांगा उहनू तुसीं एक किसी कॉपी ते जरूर नोट कर लिया करो, कर लेना। उहदे पिछे रीज़न की आ कि हर टाइम वीडियो नू देखना पॉसीबल नहीं होएगा। सो जिहड़े जिहड़े पॉइंट्स तुहाडे तुहानू समझ लगते जाएंगे उन्होंने तुसी अपनी लैंग्वेज के लिख लिया करो, ओके। तो ये हुण इत्थे जो भी आपां जिहड़ा साडा मतलब आपां थैमलिंस थ्योरम नू सब तो पहले तो ये वेखांगे स्टेटमेंट की कहिंदी आ, थैमलिंस थ्योरम की डेफिनेशन की कहिंदी आ। थैमलिंस थ्योरम फॉर डीसी नैटवर्क, आपां जिहड़ी हुण थैमलिंस थ्योरम पढ़नी है डीसी नैटवर्क के लिए पढ़नी है, ठीक है, फॉर डीसी नैटवर्कस, ओके। डीसी ते एसी दोनों च फर्क हुंदा है, आपां डीसी नैटवर्कस की गल करनी है। एसी दी अगे आपां नैक्सट आपां आउण वाले लैक्चरस दे विच उहनूं डिस्कस करांगे। लीनियर स्टेटमेंट की आ, लीनियर, ठीक है, लीनियर दा तुहानूं पता है, लीनियर जिन्हां ने प्रीवियस लैक्चरस नहीं अटेंड कीते उह अटेंड कर लैण। इस करके कहना वा कि देखो चीज़ां दा उदों ही तुहानूं समझ लगेगी जदों तुहाडे बेसिक्स क्लीयर होणगे। हुण कोई लैक्चर अपना सिक्स दे विच कोई गल कही होई है किसी कोई किसी गल नूं मैं मतलब सैवंथ दे विच समझाया होया है, सो हर वारी उह चीज़ां नूं समझाउणा सौखा नहीं है, ठीक है। इस करके एक तो मतलब इस टॉपिक तो अपने तो हट के दूजा टॉपिक करांगे, उहदा कोई मज़ेदार चीज़ नहीं है। सो एक सीरीज़ वांगू सारे लैक्चर अटेंड करो जिहदे नाल कि तुहानूं कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। हुण लीनियर वर्ड का मतलब दस दिंदा वा कि जिस लीनियर का मतलब हुंदा वा कि जिहड़े वी आई करैक्टरिस्टिक्स वा, ठीक है, वह दोनों मतलब जिहड़ा इहदा अपना जिहड़ा वी इहदे अपने करैक्टरिस्टिक्स आप ड्रा करने हैं, ठीक है, ये ओरिजन तो स्टार्ट होते स्ट्रेट लाइन च जाण, ठीक है। इहदा मतलब की आ लीनियर का मतलब की आ, इत्थे लीनियर ते बायलेटरल जिहड़े आपां नैटवर्क यूज़ करना वा, ठीक है। लीनियर टू टर्मीनल, ठीक है, इहदे किन्ने टर्मीनल होणगे, टू टर्मीनल एक्टिव, एक्टिव का मतलब उस कोई ना कोई वोल्टेज से करंट सोर्स होएगा। एक्टिव नैटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ, नैटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ, कंसिस्टिंग ऑफ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वोल्टेज, इंडिपेंडेंट एंड और, एंड और का मतलब की है दोनों भी लगे हो सकते हैं, एंड और डिपेंडेंट, डिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्स, वोल्टेज एंड करंट सोर्स सोर्सेस एंड रजिस्टर्स, एंड रजिस्टर्स रजिस्टर्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ पेयर ऑफ टर्मिनल्स, कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ
पेयर ऑफ टर्मिनल्स ए एंड बी, पेयर ऑफ टर्मिनल्स ए एंड बी बाय अ सिंपल इक्विवेलेंट नेटवर्क, बाय अ सिंपल इक्विवेलेंट नेटवर्क consisting of single voltage source VTH and ya keh sakde nu in series with a single resistor RTH, in series with single resistance RTH. हुण इहदी डेफिनेशन नूं आपां समझदे हां, डेफिनेशन क्या की है। ओके, हुण एक नेटवर्क है साडे कोल, कंपलैक्स नेटवर्क है इस तरह का, ठीक है। आ मैं टू टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल शो किए हुए ये, ठीक है। ये अगे एक रजिस्टेंस लगी हुई है आर एल, ठीक है। हुण ये नैटवर्क दे विच की आ, नंबर ऑफ रजिस्टेंसिस कनैक्टड हो सकदियां ने, करंट सोर्स कनैक्टड हो सकता है, वोल्टेज सोर्स कनैक्टड हो सकता है, ठीक है, बहुत कुछ कनैक्ट हो सकता है, ठीक है। एक रजिस्टेंस सानूं दित्ती होगी जिहदे थ्रू आपां करंट नूं फाइंड करना है, जां जिहदे अक्रॉस असीं वोल्टेज नूं फाइंड करना है, ठीक है। ओके, तो ये जिहड़ा नैटवर्क है, ठीक है, ये एक्टिव नैटवर्क है, एक्टिव नैटवर्क है, ओके, लीनियर एक्टिव नैटवर्क है, ठीक है। थेवेनिन थ्योरम कित्थे आपां एप्लीकेबल होएगी, जिथे जिहड़े सर्किट एलीमेंट लगे ने वो लीनियर होन, नाल दी नाल बायलेटरल होन, नाल दी नाल एक्टिव होन, ठीक है। लीनियर बाय लीनियर ते एक्टिव होना जरूरी है। ओके, तो इनू आपां की आ सारे सर्किट नू सॉल्व करना है, आ जिहड़ा तुसीं देख सकदे जी, इनू सारे नू आपां सॉल्व करांगे, तो ये जिन्नियां भी इच रजिस्टेंस कनैक्टड होणगियां उहनू एक रजिस्टेंस आपां कन्वर्ट कर लांगे, ठीक है, उहनू आपां एक रजिस्टेंस दे विच कन्वर्ट कर लांगे। आ दो टर्मिनल दा जिक्र कीता सी, उह ए ने, ए ते बी, उन्हों एक दे विच आपां कन्वर्ट कर दांगे। हुण जिन्ने भी वोल्टेज सोर्स होणगे उन्हों एक सिंगल वोल्टेज सोर्स दे विच कन्वर्ट कर लांगे, ठीक है। तो जिहड़ा सिंगल वोल्टेज सोर्स मिलेगा उहदा नाम हैगा VTH, VTH इस करके, VTH दा मतलब आ थेवेनिन वोल्टेज, थेवेनिन वोल्टेज, ओके। इहनूं ओपन सर्किट वोल्टेज भी आखदे ने, ओपन सर्किट वोल्टेज भी आखदे ने, क्लीयर। ओके, जिहड़ा नैटवर्क ही साडा एक्टिव लीनियर एक्टिव नैटवर्क ही, उहनूं की कीता आपां, रिप्लेस करता एक सिंगल वोल्टेज सोर्स दे नाल जिहदे सीरीज़ दे विच एक रजिस्टेंस कनैक्टड है, उहनूं की कहिंदे ने RTH। RTH दा मतलब की होया, थेवेनिन, RTH दा मतलब होया थेवेनिन रजिस्टेंस, थेवेनिन रजिस्टेंस, ओके, थेवेनिन रजिस्टेंस, ओके, इच कन्वर्ट कर देंगे। तो फिर जो भी सानू डिजायर्ड वैल्यू होएगी साड़ी उन्हों आपां फाइंड कर लेंगे, ये वाली चीज़ साड़ी बनेगी। ये की है, नैटवर्क बहुत कुछ है, रजिस्टेंस ने, सीरीज भी लगिया हुई, पैरलर भी लगिया हुई ने, तो इनू फिर आपां की किया लास्ट के कन्वर्ट कर लिया सिंगल वोल्टेज सोर्स, एंड जिहड़ा सिंगल वोल्टेज सोर्स ही उन्हों आपां थेवेनिन वोल्टेज कहता, जो ओपन सर्किट वोल्टेज कहता, तो दूसरे नूं आपां कहता थेवेनिन रजिस्टेंस। तो फिर उस तो बाद आपां लोड नूं कनैक्ट कर देंगे, तो इहदे विचों असीं जिहड़ा करंट है उहदी आई एल दी वैल्यू नूं फाइंड कर लेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट का पता चल गया कि कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ पेयर ऑफ टर्मिनल्स ए एंड बी, जिहदे विच मतलब रजिस्टर वा उहनूं की करता पेयर ऑफ टर्मिनल जिहड़ा वा उहदे विच की आ सिंगल सिंपल इक्विवेलेंट नैटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल वोल्टेज सोर्स VTH, ठीक है, VTH इन सीरीज विद सिंगल रजिस्टेंस RTH,
क्लीयर हो गया ना, सिंपल ही है। हुण आपां थोड़ा जिहा इहनूं समझ लैंदे आ कि इहनूं आपां कैलकुलेट किद्दां करनी है इहदियां वैल्यूज। ठीक है, सिंपल सिंपल मैं तुहानूं दस दिंदा वा, कोई औखा नहीं है कम। ठीक है, एक नैटवर्क है, ठीक है, एक नैटवर्क दिता हुआ, सपोज करो ये वाला आर वन आर टू ये आर थ्री है। तो हूँ स्टेटमेंट की कहती है, फाइंड द करंट थ्रू आर एल, फाइंड द करंट थ्रू आर एल, आर एल यूजिंग थेवेनिन थ्योरम, यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। ठीक है, ये कि स्टैप आप फॉलो करांगे सॉल्व करने वास्ते, वो इस डिस्कस कर लेंगे। ये की है आर एल, क्लीयर। एक इतने सोर्स लगा हुआ वा वोल्टेज का, वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, क्लीयर। ओके, हुण आपां पहला स्टैप की आ, स्टैप वन। ठीक है, पहला स्टैप हैगा रिमूव रजिस्टेंस आर एल, जिहड़े रजिस्टर के थ्रू तुसीं करंट नूं फाइंड करना है उहनूं रिमूव करो, रिमूव रजिस्टर आर एल। कर लीए, कर लें। ठीक है, एक ही आ वी, ठीक है, आर वन आर टू, ठीक है, उस तो बाद एक ही ठीक है, इनू रिमूव करना है, सॉरी। ठीक है, ओपन सर्किट इतने करता, ठीक है, आर थ्री तो एक ही आर टू। ओके, हूँ इनू करता रिमूव। ओके, पहले स्टैप का पता चल गया कि जिहड़े भी रजिस्टेंस के थ्रू तुसी करंट नूं फाइंड करना उन्हूं की करना है, रिमूव कर देना है, उन्हूं सिंपली की करना है, रिमूव कर देना है, जो कि आपां करता है इस मतलब एग्जाम्पल दे विच। स्टैप टू, स्टैप टू, ठीक है, सैकेंड स्टैप दे विच की आ, डिटरमीनेशन ऑफ, डिटरमीनेशन ऑफ वी टी एच, वी टी एच। ठीक है, हुण वी टी एच नूं आपां डिटरमीन करना है। हुण तुसीं देखो वी टी एच नूं डिटरमीन आपां किद्दां कर सकते हैं, कि आपां वी टी एच नूं डिटरमीन करन दे लई ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड करनी, मतलब ये दो टर्मीनल्स दे विच किन्नी वोल्टेज आ उहनूं फाइंड करना वा। ठीक है, उहनूं कहिंदे ने ओपन सर्किट वोल्टेज। ठीक है, इहदे लई की करांगे आपां, हुण वोल्टेज वेखांगे आर टी थ्री दे अक्रॉस किन्नी वोल्टेज है। ठीक है, आर थ्री दे अक्रॉस किन्नी वोल्टेज है, वोल्टेज अक्रॉस आर थ्री, ठीक है, आर थ्री के अक्रॉस किन्नी वोल्टेज है। ठीक है, वह किन्नी आ जाएगी, जिहड़ा करंट जो फ्लो करेगा ये विच्चों, करंट की किया आई फ्लो, आई करंट फ्लो किया कि आर थ्री के। ठीक है, हुण आई की वैल्यू किन्नी आ सकती है, जे आपां आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू, आर थ्री, सॉरी आर टू तो ये वाला ना, आर आर टू आर थ्री, क्योंकि जो करंट फ्लो करेगा, करंट का फॉर्मूला की होंगे वा वी बाय आर। हुण करंट के रस्ते दो रजिस्टेंस होंगे, क्योंकि करंट इधर नहीं जाएगा, आर टू वाल करंट जो नहीं जाएगा, क्योंकि वह ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट के कभी भी करंट नहीं फ्लो करता, करंट हमेशा फ्लो करेगा क्लोज सर्किट के, ओपन सर्किट के करंट नहीं फ्लो करता, क्लीयर। ये की है आई इंटू आर थ्री, हुण आई दे विच आ वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, ये किन्नी आ जाएगी, वी डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर थ्री इंटू आर थ्री, ये साडा की आ गया, ये साडी आ गई है वी टी एच। ठीक है, ये साडी की आ गई है वी टी एच आ गई, की ये विच कोई औखी चीज़ लगी है। ठीक है, ओपन सर्किट वोल्टेज सानू इच आपां फाइंड कर लीए। ठीक है, स्टैप थ्री, हुण तीसरा स्टैप की है, डिटरमीनेशन ऑफ, डिटरमीनेशन ऑफ ऑफ आर टी एच, थेवेनिन रजिस्टेंस नूं हुण आपां डिटरमीन करना वा, डिटरमीनेशन ऑफ आर टी एच। ठीक है, जो आपां आर टी एच फाइंड करनी है,
ठीक जिहड़ी ते आपां रजिस्टेंस आर एल रिमूव की हुई है उन्होंने रिमूव कर देना है। इस साढ़े दो केसिज हो गए, एक होंदा वा वोल्टेज सोर्स, ठीक है वोल्टेज सोर्स, ठीक है वोल्टेज सोर्स रिप्लेस्ड बाय, ठीक है वोल्टेज सोर्स रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट। जे कोई वोल्टेज सोर्स लगा हुआ वा जो आप आर टी एच फाइंड करनी है उदो आप शॉर्ट सर्किट कर देना है, ठीक है शॉर्ट सर्किट कर देना है, इनू याद रखना, ठीक है पॉइंट ए ते बी, ठीक है करंट सोर्स या सोर्सेस लिख लो रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट, ठीक है रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट, इनू की कर देना आप ओपन कर देना जे कोई करंट सोर्स लगा, मतलब जे कोई इदा का सिंबल नज़र आ जाए तो तुसी उन्हूं ओपन कर देना है, तो जे कोई इदा का सिंबल नज़र आ जाए तो उन्हूं तुसी शॉर्ट कर देना है। हुण इस सर्किट दे विच की सी, एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ वा, हुण जदों आप आर टी एच फाइंड करनी है इनू कर देंगे शॉर्ट सर्किट, ठीक है इनू की कर देंगे आप शॉर्ट सर्किट कर देंगे, ठीक है इत्थे रजिस्टेंस केड़ी लगी है आर वन, ठीक है इत्थे रजिस्टेंस केड़ी लगी है आर थ्री, तो इत्थे रजिस्टेंस केड़ी लग जाएगी आर वन, ठीक है तो फिर आप इनू जिथे लोड वा उस साइड तो देखा जोड़ा आप रजिस्टेंस रिमूव किया उस साइड तो देखा की आता है। हुण तुसी देखो जिहड़ा आर वन ने दोनों के पैरल ले, ठीक है आर टी एच की वैल्यू कि इक्वल आ जाएगी आर वन प्लस, ठीक है ये की है ये इन दोवों के पैरल ले, ओके एक सैकेंड, हाँ ये दोनों पैरल ने आर वन जो आर टू सॉरी आर टू जरा वा सीरीज के आर वन की है ये पैरल है साढ़े को आ जाएगा आर वन इंटू आर टू आर थ्री डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर थ्री ये आर टू आएगा, ठीक है इतने तुम देख सकते जे कि इतों करंट आया, ठीक है ये सीरीज के ही दोनों के इनू प्लस का साइन आप करता सीरीज के होने करके, फिर ये जिहड़े आर वन ते आर थ्री आपस पैरल जी तो इनू आप पैरल तरी पैरल दे तरीके दे नाल इनू आप सोल्व कर लिया, क्लीयर। हुण स्टैप फोर लास्ट स्टैप, स्टैप फोर, ठीक है स्टैप फोर की आ आप कैलकुलेट की करना है करंट करना ही डिटरमीनेशन ऑफ करंट थ्रू रजिस्टेंस आर एल या रजिस्टर आर एल, ओके तो इनू आप हूँ की करा जोड़ा आर टी एच वी टी एच फाइंड किया ही वह की ही साड़ी थैमलिन वोल्टेज उन्होंने आप इतें लिख लिया जो दी वैल्यू आई होएगी उन्होंने इतने कर लाँगे सीरीज़ दे विच आपां की करता आर टी एच करता, ठीक है ये साड़ा की आ थैमलिन नैटवर्क बन गया, तो हूँ आप करांगे अगे लोड नूं कनैक्ट कर देंगे जिहड़े दो टर्मीनल्स ही जिथों आप लोड नूं रिमूव किया ही आर एल रिमूव किया ही उन्होंने आप कर देंगे इतने आर एल लिख देंगे, ठीक है हूँ आप करंट फाइंड करना ही आई एल, तो आई एल कि आ जाएगा आई एल इज इक्वल टू वी टी एच डिवाइडेड बाय आर टी एच प्लस आर एल, ठीक है इस तरीके दे नाल आपां थैमलिन थ्योरम नूं अप्लाई करके किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच के विचों करंट नूं फाइंड कर सकते हैं। जे मान लो वोल्टेज ही ये क्रॉस फाइंड करनी हो तो वह भी तुसी कर सकते ही जे वी एल करनी हो आई एल इंटू आर एल इस तरीके दे नाल, ठीक है। नैक्सट थ्योरम हैगी नॉर्टन थ्योरम, नैक्सट थ्योरम केड़ी है नॉर्टनस थ्योरम, नॉर्टनस थ्योरम, ठीक है नॉर्टनस थ्योरम जी कन्वर्स है कि थैमलिन थ्योरम दी, मतलब थैमलिन थ्योरम दे उल्टे, ठीक है इनू इदा भी लिख सकते हैं नॉर्टनस थ्योरम इज दी, नॉर्टनस थ्योरम इज दी इज दी ड्यूल ऑफ, मतलब आप कर सकते हैं नॉर्टन थ्योरम नूं आप थैमलिन दे विच भी बदल सकते हैं तो थैमलिन थ्योरम नूं आप नॉर्टन दे विच भी बदल सकते हैं, इज दी ड्यूल ऑफ
ड्यूल ऑफ थेमिनिन्स थ्योरम, थेमिनिन्स थ्योरम। ओके, ये थोड़ा जहा बोरिंग जहा किसी टाइम हो जाता है, बट बोर होना नहीं है, समझना है प्रॉपरली, क्योंकि समझोगे तो फिर ही यदा फायदा है। ठीक है, ये सारा कुछ सेम है जो भी उपर आप लिखिया, इस कुछ चीज़ा चेंज होनी है, मैं डेफिनेशन उही कॉपी कर दिना। ठीक है, यही रहना सारा। इस चीज़ को कॉपी कर देने हैं तो दस देंगे की चेंज होना। लीनियर टू टर्मिनल एक्टिव नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ, ठीक है, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्सेस एंड रजिस्टर्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ पेयर ऑफ टर्मिनल्स ए एंड बी बाय अ सिंगल इक्विवेलेंट नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ। इतों तक सेम उ ये की करना आप, कंसिस्टिंग ऑफ नॉर्टन थ्योरम दे विच की करांगे कि जिहड़ा साडा लीनियर टर्म हैगा वा लीनियर एक्टिव नैटवर्क है, टू टर्मिनल नैटवर्क है, जिस इंडिपेंडेंट सोर्स भी लगे हो सकते हैं, डिपेंडेंट सोर्स भी लगे हो सकते हैं, वोल्टेज सोर्स भी हो सकते, करंट सोर्स भी हो सकते हैं, रजिस्टर्स भी ने, उन्हें रिप्लेस करांगे आप बाय सिंपल इक्विवेलेंट नैटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल करंट सोर्स आई एन, जिन्हों आप नॉर्टन करंट कहने, सिंगल करंट सोर्स आई एन, करंट सोर्स आई एन इन पैरल विद अ सिंगल, इन पैरल विद अ सिंगल रजिस्टर आर एन, सिंगल रजिस्टर आर एन, रजिस्टर आर एन। ओके, हुण इहनूं भी समझ लईए आपां कि साडे कोल इक नैटवर्क है, ठीक है, जिहदे विच नंबर ऑफ रजिस्टर्स लगे हुए आ, वोल्टेज सोर्स लगे हो सकदे आ, जां फिर करंट सोर्स लगे हो सकदे आ, ते उहदे अगे जिहड़ा लोड लगा होया वा उहदे मतलब किसी पर्टिकुलर पर्टिकुलर रजिस्टेंस की गल करते हैं, इतने आर एल ओ लिखते पे हाँ जिदे थ्रू आप करंट नू फाइंड करना है। ठीक है, ये एक्टिव नैटवर्क है साडा, एक्टिव नैटवर्क है, एक्टिव नैटवर्क का तुम दसिया कि जोड़े जिदे कोई ना कोई वोल्टेज सोर्स लगा हो एक्टिव नैटवर्क कहते हैं, जो वोल्टेज सोर्स नहीं लगा तो वह पैसिव नैटवर्क है। वोल्टेज सोर्स एनर्जी सोर्स कह लो, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स मतलब ज दोनों एनर्जी सोर्स के वोल्टेज भी आ जाता है, करंट भी आ जाता है। ठीक है, इनू आप रिप्लेस करांगे उहदे विच की कीता करंट सोर्स दे नाल जिनू आप कहता आई एन, ठीक है, नॉर्टन करंट जिनू शॉर्ट सर्किट करंट भी कहिंदे ने, ते एक पैरलर दे विच सिंगल जिदा उहदे विच आप आर टी एच फाइंड की थी ना, ये आप आर एन फाइंड करांगे, इच की फाइंड करांगे आर एन, आर एन मतलब नॉर्टन रजिस्टेंस, तो फिर बाकी आप सारा सर्किट जिहड़ा वा उहनू आप जोड़ के, तो जिस सर्किट दे अपने रजिस्टर दे थ्रू आप करंट नू फाइंड करना ही उन्हूं आप फाइंड कर लांगे। ठीक है, ये चीज़ जिहड़ी है साड़ी बनेगी। ठीक है, ये साड़ा लोड ही आर एल। ये की सी साड़ा लोड आर एल सी, क्लीयर, मतलब वो किस तरह फिर आप फाइंड कर लांगे ये कि जिदा आई एल फाइंड करांगे, आई एल इज इकल टू नॉटन जेडे रजिस्टेंस के थ्रू आप करंट फाइंड करना नहीं लिखीदा, आर एन डिवाइड बाय आर एन प्लस आर एल। क्लीयर, इतों तक समझ लग गई है, कोई ये दिक्कत नहीं हैगी, वैसे होनी तो नहीं चाहिए, सौखा ही काम। ठीक है, हुण आपां एक एग्जाम्पल दे नाल इहनूं समझण की कोशिश करते हैं कि इहनूं आपां सॉल्व किदां करांगे, किहड़े किहड़े स्टैप जिहड़े इहदे विच होणगे। सिमिलरली सेम आपां उहदे वांगू ही लै लिया है, बट ये वोल्टेज सोर्स है, एक रजिस्टर है, इहनूं आपां आर वन का नाम दे देंगे,
एक रजिस्टर है, ये थ्रू आप करंट मान लो फाइंड करना है आर एल। ठीक है, तुम कोई भी रजिस्टर लै सकते जी, कोई जरूरी नहीं है। एक ही है साढ़े को आर टू है, एक ही है साढ़े को आर थ्री है। ठीक है, आर थ्री हूँ आप करंट फाइंड करना चाहते हाँ आई एल। ठीक है, हूँ करंट जोड़ा वा फाइंड करना चाहते हैं आई एल, इतने मैं लिख दिना आई एल, एक सैकेंड, करंट आई एल फाइंड करना चाहते हैं आई एल आर एल के थ्रू जो फ्लो करता पे उन्होंने। ठीक है, आई एल फाइंड दी करंट थ्रू, करंट थ्रू आर एल। ठीक है, बाय यूजिंग नॉर्टन थ्योरम, बाय यूजिंग नॉर्टन थ्योरम स्टेप वन। वो आप किता ही ओपन सर्किट, मतलब रिप्लेस करता ही, है ना। ठीक है, उपर की ही जोड़ा पहला ही स्टैप वो आप रिमूव किया है ना, रिमूव रजिस्टर आर एल। इस करना जिदे थ्रू आप करंट फाइंड करना है। ठीक है, जी रजिस्टर आप मतलब रखिया है कि ये थ्रू आप करंट में कैलकुलेट करना है, उन्होंने करा आप शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ठीक है, शॉर्ट सर्किट दी आर एल, शॉर्ट सर्किट आर एल। ठीक है, शॉर्ट सर्किट आर एल, आर एल का मतलब लोड रजिस्टेंस, जिदे थ्रू आप फाइंड करना है। जो इन आप शॉर्ट सर्किट करा साढ़े को नैक्सट नैटवर्क की आ जाएगा, साढ़े को आ जाएगा ए वाला नैटवर्क बन जाएगा। ठीक है, इनू आप शॉर्ट करता ना आर वन आर टू आर थ्री। क्लीयर, हुणे शॉर्ट हो गया। नैक्सट की आ स्टेप टू। ठीक है, डिटरमीनेशन ऑफ, डिटरमीनेशन ऑफ आई एन नॉर्टन करंट। आई एन का मतलब होंगे नॉर्टन करंट, इतने मैं लिख दिना वा नॉर्टन, नॉर्टन करंट। ठीक है, आई एन का मतलब होंगे नॉर्टन करंट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट आप किनू किया जिदे रजिस्टर के थ्रू आप करंट नू फाइंड करना है। ठीक है, उन्होंने आप करता शॉर्ट सर्किट। हुण इहदे विच देखो, जो शॉर्ट सर्किट हो गया आ वी वोल्टेज सोर्स है, आई एन की वैल्यू किहदे इक्वल आ जाएगी, आई एन की वैल्यू आ जाएगी वी डिवाइडेड बाय आर वन। ठीक है, इनू आई एन शॉर्ट सर्किट करंट भी बोलते हैं। ठीक है, जिदा उन्होंने वी टी एच ओपन सर्किट वोल्टेज बोलते ही ना, आई एन बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट करंट। ओके, ये साडा आ गया आई एन, ये दसो कोई औखी चीज़ हैगी। स्टेप थ्री, स्टेप थ्री डिटरमीनेशन ऑफ, डिटरमीनेशन ऑफ आर एन। ठीक है, नॉर्टन रेजिस्टेंस, ओके। हूँ आप नॉर्टन रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। हूँ एक तो मैं दसिया है कि जो भी आप रेजिस्टेंस भावें थैमनियन रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, भावें आप नॉर्टन करनी है, तो जिन्हें भी वोल्टेज सोर्स होंगे उन्होंने आप रिप्लेस कर देंगे शॉर्ट सर्किट के नाल, तो जोड़े करंट सोर्स होंगे उन्होंने रिप्लेस कर देंगे ओपन सर्किट के नाल। ठीक है, वोल्टेज सोर्स में आप रिप्लेस करता शॉर्ट सर्किट के नाल, करंट सोर्स में आप रिप्लेस करता ओपन सर्किट के नाल। क्लीयर, तो साढ़े को फिर की आ जाएगा, ये वोल्टेज सोर्स ही इस करके आप शॉर्ट सर्किट करता। ठीक है, तो जिहड़े मतलब तो आ साढ़े को रजिस्टेंस आ जाएगियाँ नाल दी नाल ही, जिहड़े आप शॉर्ट सर्किट उन्होंने भी रिमूव कर देंगे लोड रजिस्टेंस आर एल। एक ही आर वन, एक ही आर टू, एक ही है आर थ्री, तो आर एन की वैल्यू इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, पैरलर दे विच ने, आर एन की वैल्यू आ जाएगी आर एन इज इक्वल टू आर वन प्लस। ठीक है, ए सीरीज दे विच दोनों लग जाएगियाँ, तो ए पैरलर दे विच आर टू प्लस आर थ्री डिवाइडेड बाय आर वन इत्थे आएगा इंटू आएगा। ठीक है, ए इंटू जे, इंटू द साइन आर वन इंटू आर टू प्लस आर
थ्री इतने आ जाना वा आर टू प्लस आर थ्री आप आर एन फाइंड कर लिया क्लीयर ए की आप फाइंड कर लिया आर एन तो लास्ट से की आप करंट नू फाइंड करना है स्टैप ठीक है डिटरमीनेशन ऑफ करंट थ्रू डिटरमीनेशन ऑफ करंट थ्रू आर एन ठीक है ये की किया आप साढ़े को जोड़ा आप करंट सोर्स ठीक है ये पैरलर के जोड़े आप आर एन फाइंड किया आई एन सी ए आर एन ए ठीक है तो ये ही आप हूँ की करा जो रजिस्टर आर एल आप शॉर्ट सर्किट किया आप दोबारा तो लगा देंगे ये की आ गया साढ़ा आर एल ठीक है हूँ ये थ्रू आप आई एल फाइंड करना ही ठीक है आई एल के इक्वल आ जाएगा टोटल करंट मतलब शॉर्ट सर्किट करंट इनटू आर एन डिवाइडेड बाय आर एन प्लस आर एल ये साढ़े को आ गया साढ़ा जो अं वैल्यू जिहड़े भी पर्टिकुलर रजिस्टेंस के फाइंड करनी आ बारे ठीक है वो साढ़े को इस तरीके कैलकुलेट कर देंगे ओके okay?